आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि आप सारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आपको कैंट स्टेशन, आप जानते होंगे वाराणसी आकर के सारनाथ के लिए डायरेक्ट कोई ऑटो मिलता है, वरना आप वहां से पांडेपुर आ सकते हैं। पांडेपुर से आपको सारनाथ के लिए ऑटो गाड़ी मिल जाएगी, आप वहां से आ सकते हैं। आज के इस व्लॉग में हम आपको सारनाथ एक्सप्लोर करके आपको सब दिखाने वाले हैं। बहुत ही पीसफुल प्लेस है ये, काफ़ी बड़ा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे काफ़ी ढेर सारी ऐसी टाइप की मूर्ति मिल जाएगी जो गौतम बुद्ध की है। काफ़ी ढेर सारी मूर्तियाँ यहाँ पे हैं। बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे घूमने देखने जगह हैं जहाँ आपको मैं लेकर के जाऊँगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। हमारे पीछे देख सकते हैं आप ये जो अशोक चक्र है, वो इंडियन फ्लैग के बीच में जो गोला सा बना रहता है वो यहीं से लिया गया है। बाय द वे हम बात करेंगे कि सारनाथ क्यों इतना फेमस है। तो गौतम बुद्ध हैं, वो अपना पहला उपदेश जो है वो यहीं पर आकर के दिए थे। गौतम बुद्ध अपने 5 शिष्यों के साथ, यानी स्टूडेंट के 5 थे, उन्होंने यहाँ पर आकर के अपना उपदेश दिया था। ये देखिए ऐसे टाइप के मिलते हैं, ये देखिए लॉफिंग गॉड हैं ये। आगे चल करके आपको दिखाएंगे एक बहुत बड़ा सा गौतम बुद्ध का मूर्ति है जो काफ़ी दूर से ही दिख जाएगा आपको। मैं भी आपको दिखाता हूँ आगे चल करके, वो देखिए अभी उसके पास भी जा करके मैं आपको दिखाऊंगा। काफ़ी बहुत बड़ा है। ओके, हम पहुँच गए हैं वहाँ पे, जो आपको दूर से दिखाया था मैं वहीं पे दिख रहा है। तो इसी के साथ साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारा वीडियो मिस ना कर सकें। काफ़ी बड़ा है ये प्लेस, आगे चल करके आपको पूरा एक्सप्लोर कर बताएंगे। बाय द वे मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फैमिली के साथ आया हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखा सकूँ। ओके, नए नए सब्सक्राइबर हैं, हाय बोल दीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो आप हमारे कितने बड़े फैन हैं बता सकते हैं? बहुत बड़े, बहुत बड़े। सारनाथ का सबसे मेन जगह यही है, गौतम बुद्ध टेम्पल। आगे आपको समझ में आ जाएगा क्यों। पर उतार करके अंदर एंट्री है आपकी। उसके बाद ये देखिए यहीं पर उन्होंने अपना उपदेश दिया था, इसकी वजह से ये मेन जगह है। ये आप रोलिंग जैसा देख रहे हैं, इसको घुमा करके आप मिस करेंगे जो आपके पूरा हो जाएगा, ऐसा बुद्ध धर्म में कहा गया है। ऊपर आप पेड़ देख रहे हैं, इसी पेड़ के नीचे उन्होंने अपना उपदेश दिया हुआ था अपने शिष्यों को। पैदवे आगे आपको जो मूर्ति दिख रही है वो वही जगह है जहाँ पे उन्होंने एग्जैक्ट बैठ के जो अपना ज्ञान उपदेश दिया हुआ था यही है। और एक यूनिक चीज़ और है यहाँ पे, एक बहुत बड़ा सा घंटी की तरह है जिसे 4 बजे भोर में बजाया जाता है, जो लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आगे ज़ू भी है, जो गेट सामने देख रहे हैं वो ज़ू है, लेकिन हम लोग ज़ू में नहीं जाएंगे। अदवे ज़ू में थोड़ा एनिमल्स कम है, उसके लिए रिटर्न होते हैं वहाँ से।
भाई देखो, कोरोना की वजह से काफ़ी कम लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, वरना बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती थी। फॉरेनर आते थे, फ्लाइट बंद होने की वजह से वो लोग आ नहीं सकते हैं, इसकी वजह से काफ़ी कम भीड़ है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही कम भीड़ है, बहुत कम लोग दिख रहे हैं, फिर भी ठीक ठाक है। तो आपको दिखाते हैं, मज़ा आया घूम करके गाइस, बहुत ही अच्छा मंदिर है यहाँ पर, काफ़ी लोग आए हैं घूमने टहलने, हम लोग भी आए हैं, आपको दिखाया, आगे भी दिखाते हैं। Startup whatever.